हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है दोबारा से वंशिका क्रिएटर चैनल में, जिसमें कि हम यहां पर दिखाते हैं कि कैसे घर बैठे आप बहुत सुंदर क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अपनी मंडाला आर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं जो सुकून देती है आपकी अपनी लाइफ में। यहाँ पर मैंने ब्लैक स्मॉल कनवास यूज़ किया है क्योंकि उन कनवास के जरिए भी आप एक मॉडर्न आर्ट्स बना सकते हैं। देखिए मेरी आर्ट के अंदर बहुत ही चीप एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम घर बैठ के कुछ ऐसी क्रिएटिविटी क्यों ना करें जो कि हमें मेंटल पीस भी दे और हमारी निखार, हमारी आर्ट के निखार के अंदर चार चांद लगा दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्मॉल पीसेस मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ब्लैक कैनवास के, और जैसे कि ट्रेडिशनल मंडाला आर्ट हाफ सर्कल जो हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही पौराणिक तरीका है मंडाला आर्ट को प्रेजेंट करने का, वो मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें मैंने दो कैनवास शीट्स यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, आपने देखा ही होगा। मेटेलिक कलर्स का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ विद ब्रश, और जैसे कि हमेशा से मैं आपको बताती आई हूँ कि कोई भी पेंटिंग करने से पहले आप प्लीज़ स्केच जरूर ड्रॉ कीजिए। आप देख रहे होंगे हल्के रंग में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्केच, तो पहले मैंने पूरा स्केच बनाया और उसके बाद मैं विद ब्रश अब इस चीज़ को कर रही हूँ, कलर्स कर रही हूँ, ताकि मैं अपने मंडाला क्रिएशंस को आराम से बिना किसी स्मज के कर सकूँ। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आपका स्मज हो जाए, आपका बीच में मिक्सअप हो जाए और जो आप करना चाहते हैं वो इतने अच्छे से ना आप दिखा पाए। अब गोल्डन सिल्वर मेटालिक कलर्स को यूज़ कर मैं यहाँ पर हाफ सर्कल मंडाला की रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रॉन्ज कलर भी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक तरीका यहाँ पर मैंने अपनाया है। कैमल का फैब्रिक कलर यूज़ किया है, ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैंने यही मंगवाया था और इन्हीं का मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप दोबारा देख रहे हैं दो क्रिएशंस मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। दो क्रिएशंस और अगर बनती हैं तो हमारी मॉडर्न आर्ट रिप्रेजेंट हो जाती है। इसको आप फ्रेम के जरिए आप अपने घर में सजा सकते हैं, अपने लव वन डियर वंस को दे सकते हैं, कोई स्पेशल ओकेजंस में किसी भी जगह पर आप इसे सजावट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी खुद की क्रिएशंस है, तो क्यों ना आपको मन में आएगी, क्यों ना आपके अपने लोगों को प्यारी लगेगी। स्केचिंग के जरिए मैंने यहाँ पर ब्रश यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं ड्राइंग कर रही हूँ, कलर्स कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा जब फिलिंग करते हैं तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि गैप ना बने। मेरी पहली क्रिएशन तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज ये सभी कलर्स का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, स्पेशली गोल्डन कलर को भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। सिल्वर कलर बहुत ही डिसेंट लुक देता है, शाइनिंग लुक देता है, वो आपकी क्रिएटिविटी के अंदर चार चांद लगा देता है जैसे कि आप देखते हैं, और गोल्डन तो अपने आप में ही गोल्ड है ना, इसकी तो तुलना कोई की ही नहीं जा सकती है। अब मैं अपना सेकेंड कैनवास बना रही हूँ। बहुत ही घर बैठ के मैंने ये सिंपल अपनी एक्टिविटी करी है, इसके लिए मैंने कोई भी विशेष तैयारी नहीं करी है। आप भी इसको घर में ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा तरीका है अपने आप को शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि आप भी कुछ कर सकती हैं। तो प्लीज़ देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर मैंने छोटे छोटे पिकॉक्स बनाए हैं, क्योंकि ये मेरी दूसरी कैनवास शीट है जो कि ऐसी ही एक और कैनवास शीट में बनाऊँगी, और वैसे ही दूसरा जो मेरा हाफ सर्कल है वो भी एक और बनेगा और उसको लेके हम उसे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले मैंने स्केचिंग की थी पेंसिल के थ्रू, अब मैं गोल्डन कलर ब्रॉन्ज कलर इन सबको यूज़ करते हुए मैं इन कलर्स को कर रही हूँ, तो इससे बहुत ही सिंपल हो जाता है। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आप इसे सीख सकते हैं। इवन फैक्ट वो लड़कियाँ, वो मम्मियाँ, वो आंटियाँ जो कि अपने घर में क्रिएटिविटी करना तो आता है पर समझ नहीं पाते कि हम कैसे करें, वो आराम से इस चीज़ को कर रहे हैं। कैबल फैब्रिक का मेटालिक कलर्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, 100 रुपीज़ में वन बॉक्स आ जाता है और इसमें 4 कलर्स आ जाते हैं जो कि सफिशेंट है आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स को बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई जरूर कीजिएगा घर पर और अपने आप को सुकून महसूस करवाइएगा, पीस ऑफ माइंड यूज़ करवाइएगा, जैसे कि मैं खुद इसको अनुभव करती हूँ। और नो डाउट जब तारीफ़ें मिलेंगी तो वो तो आपको खुशी के चार पल दे ही देंगी, है ना। तो देखते रहिए और ऐसे इंजॉय कीजिए।